हर दिन लाइफ के अंदर एक नई चैलेंज होती है और आज नया चैलेंज है और नए ब्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँ, आपका दोस्त दीपक द्विवेदी। और ये मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन का नज़ारा है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे। और सभी लोग ड्यूटी के लिए सुबह सुबह जा रहे हैं वॉक करके, और फिर ये रेलवे के आसपास का नज़ारा जहाँ से आपको आराम से ऑटो मिल सकता है बिहार के कहीं भी किसी भी कोने पर जाने के लिए। ये रेलवे स्टेशन के आसपास का है, थोड़ा बहुत आप बार्गेनिंग करेंगे तो आपको अच्छा सा ऑटो भी मिल जाएगा कम किराए पे। तो हमने भी बार्गेनिंग कर ली है और अब हम थोड़ी देर में ऑटो में बैठने वाले हैं। अभी घूम रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आपको नज़ारा दिखा रहे हैं कि देखिए आसपास में है क्या। बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, सुबह का टाइम है, सभी लोग ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप ऑटो में बैठ के भीड़, पब्लिक यहाँ से वहाँ जाने को तैयार है। अब हम ऑटो में बैठ चुके हैं, बैठने के बाद हम आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और आप देखें कि क्या आसपास का व्यू है यहाँ पे। हमारी ऑटो थोड़ी देर के लिए रुकी हुई है सरायगंज चौक पे। यहाँ से ऑटो वाले भैया को सवारी लेना है और वो सवारी के लिए आवाज़ मार रहे हैं, और जैसे उनको सवारी मिल जाएगी वैसे ही ऑटो फिर आगे की ओर प्रस्थान कर जाएगी। और आप देखें कितना भीड़ है यहाँ। फिर हमारा ऑटो चला, हम आगे की ओर चल दिए। अब ये बच्ची जो है ये कैमरे को देख कर और शर्माएगी, आप देखिए इसने अपने मुँह पर हाथ रख लिया हुआ। फिर हम अपने रेलवे स्टेशन आ गए मुजफ्फरपुर वापस से गांव जाने के लिए। और ये यहाँ का थोड़ा बहुत आप व्यू यहाँ पे देख सकते हैं, और ये हमारी रेलवे स्टेशन पे इंजन खड़ी है और इसी से हम थोड़ी देर में जाने वाले, बोगी से जुड़ जाएगी डब्बों से और फिर ये हमारे गांव की ओर चली जाएगी। तो आप देखें थोड़ा थोड़ा व्यू अच्छा है यहाँ का भी थोड़ा सा सिस्टम, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि हमारे गांव जितना अच्छा नहीं है। अब गांव के रेलवे स्टेशन पे आ गए मैं और मेरी मम्मी, और ये यहाँ का व्यू देखिए और मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन का व्यू देखिए, और बताइए दोनों में क्या अंतर है कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अरे भाई आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया ना भाई, कर दिया। नेपाल जाने वाला हूँ कुछ दिन में, तो वहाँ का भी आपको दिखाऊंगा कि नेपाल में लोग कैसे रहते हैं। और स्टेयर्स पे हम चढ़ते हुए आगे की ओर, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, चढ़ने का भी मन नहीं करोगा, दिख रहा होगा आपको कितना स्लो स्लो चढ़ रहे हैं। और ये यहाँ का देखिए, ये सामने का व्यू ये रहा इस साइड का, और इधर वाले हिस्से में भी आप देखेंगे कि ये देखिए यहाँ का व्यू दिखाई दिया आपको, रेलवे स्टेशन कितना साफ़ सुथरा यहाँ पर रेलवे स्टेशन है। और फिर हम लोग अपने गांव आ चुके हैं।